अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की खबरों की ओर, जहां यूपी के फतेहपुर जिले में फसल की रखवाली करने गए वृद्ध किसान के सिर पर प्रहार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की जो अपराध जगत की सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से आ रही, जहां वृद्ध किसान की निर्मम हत्या कर दी गई है। जहां मौत की खबर सुनकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की इस अपराध जगत की बड़ी खबर पर नजर। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। कहाँ रहते हैं? क्या मामला है, हत्या कैसे हो गई? पिताजी कहाँ गए थे और किस लिए गए थे? हमारे पिताजी खेत में काम करने गए थे, मजदूर को लेकर के खेत के बाद वापसी नहीं हुए। हमारा विवादित राम सिंह निषाद फूका गए, उनसे विवादित था। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने अपने लड़कों को बुला करके आपके परिवार से 4-5 दिन के अंदर हम आपको यहाँ से सफा कर देंगे। तो आपके पिताजी किस लिए गए थे खेत में? खेत में काम करने के काम करने। लमसम कितने बजे गए थे? घर से 9-10 बजे निकले थे रात, दोपहर को, दिन में। दिन में खेत के बाद वो लोग घर से लेबर चली आई, वो खेत में रुके रहे पानी लगाने के साथ में। खेत को उन्होंने गैप कर दिया, कहाँ गैप कर दिए पता नहीं चला, हम ढूंढते रहे। सुबह जा कर के ढूंढते उनकी बोरी वहाँ पर, सुबह रोटी पड़ी हुई मिली थी। धन्यवाद। 9004141477। जी हमारे साथ क्या है, हमारे को धमकी में घटना हुई है, इस संबंध में सर क्या कहना है आपका? कोतवाली तहसील के छोटा गांव में रामकिशोर पुत्र स्वर्गीय साधु उम्र लगभग 68 वर्ष का शव सड़क के किनारे मिला हुआ है, और शव का पंचायत पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और सभी कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के पश्चात ही स्पष्ट हो चुके